बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव की दावेदारी लगातार देखने को मिल रही है। 2024 के चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने मजबूती से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया था, लेकिन इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार समेत कई अन्य बड़े नेताओं ने जो कुछ भी किया, इसको लेकर के तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ हम सब लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 से पहले, जी हाँ, बिहार में क्या सियासी पारा सब कुछ ठीक है? क्या बिहार में किसी बड़े परिवर्तन का आसार या किसी बड़े परिवर्तन का जी रूप देखने को नहीं मिल रहा है? इस पर क्या है पूरी जानकारी, आइए समझाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में क्या नया परिवर्तन आने की उम्मीदें दिखाई दे रही है और क्या नया उम्मीद आ सकता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और मुख्य समाचार से। राहुल गांधी और तमाम नेताओं के साथ हुई बड़ी बैठक और मुलाकात के साथ ही नीतीश कुमार ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मान लिया था। नीतीश कुमार के एक्टिव होने के बाद में तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन तुरंत तेजस्वी यादव पर CBI और ED की चार्जशीट आ जाती है। जी हाँ, CBI ने चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम का जिक्र करते हुए इस बात को स्पष्ट तौर पर सामने ला दिया कि अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेगी और तेजस्वी यादव की मुश्किलों को बढ़ते हुए देख कई परेशानियां और भी लगातार सामने आती रही है। इसके साथ ही तेजस्वी ने इन बातों पर बिना किसी जवाब दिए जब पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितना परेशान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को कर ले, सिर्फ हमें ही परेशान नहीं किया जा रहा, देश के तमाम अन्य राजनीतिक दलों को भी परेशान किया जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि एक साथ विपक्षी दलों की एकता के साथ मजबूती से प्रहार करना चाहिए जिससे 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंके। लालू प्रसाद यादव ने इसी मामले पर कहा था कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं, ताकत रखते हैं और उखाड़ फेंकेंगे। आप ना भूलिए कि मोदी जी इस वक्त आपकी सरकार जो है नहीं चल रही है, सरकार और सिस्टम में बैठे तमाम विधि व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और तेजस्वी यादव को यह क्लीन चिट थमा दिया। लालू प्रसाद यादव के मुताबिक तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से दोषी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उनके करियर को खराब करने के लिए ऐसी कोशिशों को कर रही है। अब परिवारवाद समेत कई अन्य चीजों के लगे आरोपों के बावजूद भी तेजस्वी यादव मजबूती से अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव पर ED की शिकंजा कसने के साथ ही तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की गई है और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे। एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बुरा समय है। इस बुरे समय में तेजस्वी यादव मजबूती के साथ अपनी बातों को रखना, देश के लिए जी हाँ खुद को समर्पित और इसके साथ ही नई क्रांति लाना कोशिश करती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।